नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। मुल्ताई पवित्र नगरी में गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुखदेव पांसे की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नागपुर नाके से लेकर सिंचाई कॉलोनी तक 100 पौधे लगाकर उन पर सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए। इस संबंध में स्थानीय विधायक सुखदेव पांसे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नगर के सभी मार्गों के दोनों और बड़े पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए जाएं। वर्तमान में पर्यावरण को हो रही क्षति को लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है, जिसे मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित एवं सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पेड़ पौधे एवं वृक्षों की होती है। लगातार पेड़ों की कटाई के चलते कहीं न कहीं पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बनी रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर प्रदेश एवं देश हित में निर्णय लेते हुए रोपण के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित एवं बचाए रखने के लिए यह ठोस कदम उठाया गया है। माँ ताप्ती जी के श्री चरणों में नमन करते हुए माँ ताप्ती के आंचल में हम लोग रहते हैं और सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। क्यों ना हमारी कांग्रेस पार्टी ने सोचा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शहर को सुंदर, विकसित और खूबसूरत, हरियाली युक्त, सुंदर बनाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इसी तारतम्य में वर्षों से कांग्रेस पार्टी मुल्ताई और मुल्ताई शहर के आसपास और गांवों में वृक्षारोपण सतत जारी है। माँ ताप्ती जी का सफाई अभियान भी वर्षों से हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाता है। ऐसे पुण्य और पवित्र काम राजनीति से अलग हटकर भी हमारी कांग्रेस पार्टी का संगठन हमेशा करता है और माँ ताप्ती जी को, मुल्ताई को, मुल्ताई विधानसभा को सुंदर और विकसित बनाने का लक्ष्य हमारी कांग्रेस संगठन ने लिया है। उसी कड़ी में यह एक हमारा प्रयास है। हम टी गार्ड व्यवस्थित बनाकर, बड़े बड़े पेड़ लगाकर और उनकी हमेशा हमारे कार्यकर्ता पानी सिंचित करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे और पौधों को बड़ा करने में भी पूरा सतत निगरानी रखेंगे। ताकि पौधे लगा रहे हैं हम लोग, अभी आज हम 100 पेड़ लगा रहे हैं और 100 टी यार्ड उनके साथ लगा रहे हैं। मुल्ताई से नाके से जो हमारा पट्टन रोड है, इसके दोनों छोर की तरफ इरिगेशन रोड जो कहलाता है, इसके दोनों छोर पर हमारे बड़े बड़े पेड़ और टी यार्ड की सुनिश्चित व्यवस्था करके बड़े सुव्यवस्थित ढंग से इन पेड़ों को लगाया जा रहा है, ताकि ये जब पेड़ बड़े होंगे तो हमारा शहर सुंदर और अच्छा लगेगा। यही धारणा हमारे कांग्रेस संगठन की है। धन्यवाद। ये आयोजन हुआ है वृक्षारोपण का, इस विषय में बताएं जी। ये क्लीन मुल्ताई, ग्रीन मुल्ताई का एक कांग्रेस संगठन द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा माननीय पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी, वर्तमान विधायक जो है, उनके एक पहले से कार्य योजना थी कि मुल्ताई को एक सुंदर बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए। उसी की कड़ी में ये एक मेला है जो वर्तमान में पर्यावरण को संरक्षण के हिसाब से भी और वायु को शुद्धिकरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है जो मुल्ताई को सुंदर दिखे। ये वृक्षारोपण जो हो रहा है ये कृषि मंडी के पास से लेके तो इरिगेशन कॉलोनी तक के हो रहा है और इधर आगे नागपुर रोड पे डॉक्टर बोड़के जी के घर के वहाँ से आगे भी किया जा रहा है। हम लोगों का संगठन का एक लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष जब बरसात के समय वृक्ष लग सकते हैं तब हम प्रत्येक मुल्ताई की हर रोड को हरा भरा करें। ऐसा हमारे सभी लोगों की एक सोच और धारणा भी है और हम चाहते हैं, मुल्ताई के नागरिकों से भी अपील करते हैं कि मुल्ताई को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण से शुद्ध रखने के लिए वो भी हमें सहयोग प्रदान करें और प्रतिवर्ष हम इसका संगठन द्वारा ये कार्य किया जाएगा जिसमें हम आपसे भी सहयोग और अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।